बिहार की राजनीति में इस वक्त बयानबाजियों का दौर जारी है। दरअसल जेडीयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में एक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक विवादित बयान दिया था। इस पर गुलाम रसूल बलियावी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें वो अभी भी अपने कर्बला वाले विवादित बयान पर कायम है। तो हजारीबाग के बरही में एक सभा थी, उस सभा में भीड़ थी, अहोनी है। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूं। कर्बला को लोग समझते क्या है? कर्बला में मेरे मामे हुसैन का खेमा जलाया गया, पानी बंद किया गया, भूखे प्यासे तड़पाया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनको भी शहीद किया गया। उसी इमाम हुसैन के नाना की इज्जत पर कोई हाथ डाले और हम चुप रहेंगे? कहां से संभव है? तो कर्बला में तो सब कुछ मेरा लूटा, भूख प्यास से हमको तड़पाया गया, हमारे सरकारों को तड़पाया गया। आखिर कर्बला को समझ का यू टर्न लोग देते क्यों? क्या समझ रहे हैं लोग? बड़ी हैरत है कि कर्बला के यजीद का अत्याचार समझ में आ गया और इमाम हुसैन वालों का सब्र समझ में नहीं आया। और अब उनके इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है, कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है।